पीछे। ये सर्जिल इमाम नारे लगाता है कि असम को हिंदुस्तान से काट दो। क्यों भाई, आपका है असम? मैं आज बताने आया हूं इन लोगों को, असम को हिंदुस्तान से कोई छीन नहीं सकता। भारत का बच्चा बच्चा असम के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार। मित्रों, आप मुझे बताओ, इस सर्जिल इमाम, ये उमर खालिद, कन्हैया कुमार, इनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं? ये राहुल बाबा और केजरीवाल फिर से आ गए, और दोनों राहुल बाबा और केजरीवाल कहते हैं इनका वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है, इनको मत छुए। अरे भाई, वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है ही, आप हमें गाली दे दो, मेरी पार्टी को दे दो, मेरी सरकार को दे दो, मगर भारत माता के टुकड़े करने की बात करी तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दीजिएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, आज भी केजरीवाल इन लोगों को जेल में डालने की प्रोसिक्यूशन की परमिशन नहीं देते। मैं पूछता हूं, जवाब भी नहीं देते। आप बताओ, उनको प्रोसिक्यूशन की परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? आप भाजपा की सरकार बना दो, भाजपा का मुख्यमंत्री बना दो, एक घंटे के अंदर हमें सर्जिल इमाम के खिलाफ, उमर खालिद के खिलाफ केस चलाने की परमिशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे दे। मित्रों, हम सीएए लेकर आए, सीएए लेकर आए, सीएए के अंदर इन्होंने विरोध, धरने प्रदर्शन कर। और मित्रों, अरे भैया तुम बैठ जाओ ना, भाषण सुनने आए तो मस्ती करने आए, बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ, तुम तीनों लोग बैठ जाओ, नीचे बैठो, चलो। मित्रों, सीएए क्या है? ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है। देश का विभाजन हुआ और विभाजन होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में करोड़ों हिंदू और सिख भाई वहां रह गए, उनके साथ अत्याचार हुआ। 30% लोग वहां थे, आज 3% हो गए। कहां गए लोग? या तो मार दिए गए, या तो धर्म परिवर्तन करा दिया गया, या तो वो हिंदुस्तान में शरण लेकर आ गए। मित्रों, उनकी छोटी छोटी बच्चियों को उठवा लिया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उनका निकाह पढ़ा लिया गया, उनके घर छीन लिए गए, खेत खलियान छीन लिए गए, करोड़ों रुपए के मालिक दाने दाने को मोहताज हो गए। आज वो दिल्ली की गलियों में इधर उधर घूम रहे हैं, इनके पास ना रहने को घर है, ना बिजली है, ना पानी है, ना बच्चों की पढ़ाई है, ना शिक्षा। ये लाखों करोड़ों हमारे भाई आज नर्क की यातना का जीवन जी रहे, नर्क की यातना का जीवन जी रहे। मुझे बताओ, इन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी? मित्रों, ये जो हिंदू और सिख आए हैं उनको नागरिकता देना हमारा कर्तव्य है। मित्रों, कर्तव्य मैं आज बताने आया हूं। केजरीवाल कहते हैं ये सारे पाकिस्तानी। केजरीवाल, शर्म करो, वहां पर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता अगर वो यहां ना आते। ये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन कहां जाए? वो भारत की शरण में आए हैं। और आप जितना विरोध करना है उतना करो। मैं बता देता हूं, मोदी जी ने बड़े मन से फैसला किया है, हम इनको नागरिकता भी देंगे, गले से भी लगाएंगे और सम्मान भी देंगे। मित्रों, सम्मान। मित्रों, मुझे बताओ, ये सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? जोर से बोलो, क्यों कर रहे हैं? वोट बैंक से डर रहे हैं। उनकी वोट बैंक आप हो क्या? आप हो? पीछे तक बोलो, हाथ ऊपर उठाकर, आप हो? कौन है? जोर से बोलो, कौन है?
और जोर से बोलो कौन है, जोर से बोलो कौन है। मित्रों मैं आज आपको बताने आया हूं, हम नहीं डरते हैं ये वोट बैंक की राजनीति से। इस सीए के तहत इस सबको हम नागरिकता देने वाले हैं। माताओं भाइयों बहनों, मैं युवाओं का जोश देख रहा हूं, मगर युवाओं मैं भी आपसे कम उम्र में राजनीतिक दल का सदस्य बना हूं। जोश से कभी चुनाव नहीं जीतेगा। सुनो जरा सुनो, चुनाव जोश से नहीं जीते जाते हैं, नारे लगाने से, तालियां बजाने से, जंप लगाने से नहीं जीते जाते। चुनाव जीतना है तो आठ तारीख को घर घर जाकर सुबह 10:30 बजे के पहले मतदान कराना पड़ेगा, कमल के निशान पर बटन दबाना। आप सब लोग वोट दो।